तो गाइस इसे कहते हैं ये बाजा का फड़ाट लकड़ा। तो गाइस गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूं अभी से। अभी आप बहुत ही ठंडा हो रखा है, मतलब पहाड़ों में बारिश आई है कल रात। अभी दिखाता हूं, मतलब ऐसा ठंड हो रहा है, मैं तो भाई ये इस गोले में रहना ही नहीं है अभी इस कुछ महीने इस गोले में बहुत ही दिक्कत होने वाली है ठंड से, बहुत ही ठंडा हो रहा है। आप दिखाते हैं मौसम कैसा हो रहा है। गाइस यहाँ पे देख सकते हो विपन को, विपन भी पूरा पैक होके गया है स्कूल के लिए। देखो ये टोपी, गुन टोपी पहन के ले गया है, इसको बोलते हैं गुन टोपी, कहते हैं इसको गुन टोपी। और ये इसका नाम है योगेश, योगेश भी स्कूल को जा रहा है। तो गाइस देख सकते हैं मौसम बहुत ही खतरनाक हो रखा है, आज बहुत ही ठंडा हो रहा है। देखो ये मौसम देखो ना एकदम, तो देख सकते हैं मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा है, मतलब ये देखो ये पूरा घिर रखा बादलों से। अब यहाँ पे देखो लोग आग भी सेक रहे हैं, और ये हमारे चाचू देखो ये सुबह सुबह पता नहीं लेटरिंग के लिए पानी भर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो, तो इसी के साथ हमें दो जी देखो आग भी जलाई हुई है, लोग लौंडे मोंडे आग सेक रहे हैं यहाँ पे। तो ठंड इस कदर बढ़ चुकी है, मतलब इस गोले में रहना ही नहीं है, है जब तो कुछ ख़राब ठंड है। ये देखो ये लकड़ी हकड़ी जला के, अमरू भाई हैं दोनों फौजी हैं, देखो सियाचिन में रह के आए हैं फिर भी आग सेक रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। इनको वहाँ ठंडा कुज्जो होता है तो यहाँ भी कुज्जो लग रहा है। देखो ये इनसे मिलिए, ये पछते ब्लॉग में देखे होंगे, ये देखे होंगे अजीब जानवर है, देखो खाते ही रहते हैं बस, खाते खाते इनका पेट नहीं भरता, इनका पेट नहीं भरता है इनका। देखो ये पत्थर भी लाए, पत्थर भी लाए, ये अजीब जानवर। ये देखो ये चिकन, निकन देखो ये चिकन खा रहा है, सुबह सुबह बॉडी गर्म कर रहा है अपनी। अरे बहुत ही खतरनाक, कहाँ जा रहा है आर्यन, को भी ठंड हो गया है। देखो आर्यन भी हाथ सेक के जा रहा है अपने, ये देखो ये आर्यन ठंडा हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है, कितना ठंडा हो रहा है, ते तो गाल भी लाल हो गया ठंडे से, मना मना को मना मना ठंडा हो रहा है तो बोल ही नहीं रहा यार, ज्यादा ठंडा हो गया लग रहा तेरे हाथ ज्यादा अकड़ गए हैं, बोल भी ना जा रहा तेरे से। तो गाइस यहाँ पे सांप आते हुए देखो, इनकी टोपी देखो, ये देखो ये गाइस, ये इनको ही बोलते हैं सांप। ये टोपी किसी को चाहिए तो इनसे संपर्क कर ले इस टोपी को लेने के लिए, 5000 की टोपी है ये। तो गाइस अरुण सिंह को भी ठंडा हो चुका है, अरुण सिंह भी आग सेकने आ गया। ये देखो आग सेकने के लिए कितनी भीड़ है इधर पे, देखो ये देखो सभी आग सेक रहे, इतनी ठंड हो चुकी है, पहाड़ में बर्फ बर्फ भी हो सकती है। अरुण भाई कैसा हो रहा है ठंडा, बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम भी पैक होके आगे पूरा, तो देख सकते हैं गाइस हम आग सेक रहे हैं, बहुत ही खतरनाक। ये चाचू ने भुट्टी ओढ़ रखी है पूरी, ये देखो इसे बोलते भुट्टी, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड, बहुत ही ठंड हो रही है, देखो ये भुट्टी भी पहन रखी है इन्होंने, बहुत ठंड लग रही है। चाचू ये जैकेट कहाँ से लाई ये बताओ तुम, मुझे भी लेनी है ऐसी भुट्टी टाइप की, यहाँ नहीं मिलती ये तो भैया बाहर देश में से आई है। अच्छा इंग्लैंड से लाए हुए, नेपाल से, अच्छा नेपाल से लाए हो, ओके ओके। गर्म दिनों पहननी करता क्या है, ठंड दिनों कला पहनना बिगाड़ा, तो इसमें जूड़ पड़ गए हैं देखो गाइस, इसमें जुए पड़े हैं देखो ये जैकेट में। नन्नू ठंडा हो रहा है, नन्नू ठंडा हो रहा है, इसने भी गुन टोपी पहन रखी है, देखो बच्चे सारे गुन टोपी वाले हैं, देखो आए तो बोल दे गुन टोपी वाले भैया, हाँ गुन टोपी वाले भैया है ये, हेलो हेलो बोल दे, कैसे हो कैसे हो। तो गाइस आज बहुत ठंड हुई है क्या, गाइस बहुत ठंड हुई आज है, तुमने तो आज टोपी भी पूरे पैक हुए हो, तो देख सकते हैं गाइस आज बहुत ही ठंडा हो रखा है, सभी फुल पैक में हैं, एक ये आज जैकेट भी नहीं पहनते हैं, देखो ये यही अजीब जानवर खाते पीते हैं ना, ये देखो ये हाथ में घूम रहे, इनको ठंडा ही नहीं होता है। तो गाइस ये है हमारे चाय बागान के जो पनीर खूब खाते हैं, लेटेस्ट मैनेजर जो खूब खाते हैं, अभी खाते हुए दिखते हैं हर समय, अभी तैयार हो गया है। अनिकेत भाई थोड़ा अपना दिखाओगे क्या, हाँ ये बॉडी वॉडी, ये देखो ना जिम भी जाते हैं सुबह सुबह 6 बजे, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही मेहनती लड़का है ये, इसके लिए लड़की की भी जरूरत है, संपर्क कर ले जिसको एक अच्छा और सुशील लड़का चाहिए, तो ये है देते तो देखिए डस्टमैन सर के साथ रह रहे कि उनकी ही लाइन में पकड़ लिया इन्होंने भी चाय बगान वाली।
चुके हैं तो सभी धूप सेक रहे हैं। देखो इधर भी धूप सेक रहे हैं, इधर भी धूप सेक रहे हैं। अमृता कुछ कहोगे धूप के बारे में? बहुत अच्छी धूप आई है। हाँ, और रात को तो बहुत ठंडा हो रहा था, उस हिसाब से जिस हिसाब से आज मौसम कैसा हो रहा है? मौसम वो है अच्छा लग रहा है। वैसे ठंडा होता ना सुबह बहुत, वो वाला गाना आज ही लग रहा है जैसे सर्दी में धूप वाला गाना आज ही लग रहा है कि वास्तव में बहुत बढ़िया गाया था। बर्फ गिर सकती थी सुबह बट नहीं गिरी, अब धूप आ गई है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी चमक आ रही है धूप की। तो हम सब अभी तक आग सेक रहे थे, अब धूप से गिरेगी। तो आपसे सवाल है कि बर्फ कब तक गिरेगी पहाड़ में, चंपावत में बर्फ कब गिरेगी? जनवरी फरवरी, बस उसके बाद तो मार्च आ जाएगा। जनवरी कमेंट बॉक्स में बताएं बर्फ कब पड़ेगी, जिस हिसाब से ठंडा हो रहा है। जनवरी बस, अरे उससे पहले नहीं गिरेगी। ठीक है ठीक है, देखते हैं कब पड़ती है बर्फ। गिरने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जिसने बर्फ देखनी है तो मैं दिखाऊंगा उसको एकदम ताजी बर्फ एकदम, मगर जब पड़ जाएगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बर्फ देखने के लिए। तो 10 जनवरी के आसपास इन्होंने कर दिया भविष्यवाणी, और इनकी भविष्यवाणी मतलब समझो राम की जवान हुई मतलब, और इनकी बिल्कुल गिरेगी 10 जनवरी के बाद। 10 जनवरी आना चाहती हो तो पहाड़ में प्लेन से 10 जनवरी से पहले पहले कृपया आ जाए। यहाँ पे होटल होटल है, व्यवस्था सब है रहने के लिए है। तो गाइस ये दोनों बहुत ही तगड़े दोस्त हैं। देखो ये जो दोस्ती बीड़ी शेयर कर सकते हैं वो कितने भयंकर दोस्त होंगे बताओ। तो गाइस तो चाचू दिखा रहा हूँ, इनकी ड्यूटी होती है पूरे गांव में निमंत्रण कहने की, मतलब किसी की शादी होती है ना तो ये निमंत्रण कहने जाते हैं, मतलब किसी की भी हो, मतलब 3-4 गाँव को मतलब निमंत्रण अकेले कह के आते हैं। घर जाके ये नहीं कि पर्ची अर्ची फोन ऑन करके, सबके घर जाते हैं और वहाँ निमंत्रण कह के आते हैं। अरे ठेकेदार, अदरक के ठेकेदार थे, आलू के ठेकेदार थे, पटाख के ठेकेदार, अब बरेली जा रहे हो सर, क्या बताओ तो सी क्या बिजनेस कर रहे हो, किस चीज की है, क्या पता बरेली तक बात पहुंच जाए तुम्हारी। मंडी की बात करनी है बताओ। आलू का बीज लाना है। आलू का बीज, अच्छे अब बताया ना भाई ने बिजनेस, आलू का बीज लेंगे, मैं खरीदूंगा, चल 15 कट्टे मेरे नाम के रख देना, ठीक है। तो इस बार मैं 15 कट्टे आलू के लगा रहा हूँ, तो सूरज सिंह तुम देखिए चाराल में आलू के लिए, आलू का बीज के लिए संपर्क करें हमारे सूरज भाई से। युवा बिजनेसमैन, बस अब इतनी बहुत है, अब तुम जब आलू का बीज ले आओगे तब दिखाएंगे तुम्हारा आलू का बीज। शाम के 2 बज रहे हैं, देखो ये आगे हैं ये स्कूल से बच्चे। कितना बजा बता? 2 बजा है, और ये बहुत ही हरामी लड़का है ये बजे वाला, आगे वाला और ये पीछे वाला भी है ना। तू तो बहुत हरामी है। कमी हराम झूले चिपरा यार, हरामी का बच्चा। गाइस यार 2 बज रहे हैं और मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ है, पता है क्या हो गया पता है? एक तो जुकाम रखा है भयंकर, सुबह मैंने बताया नहीं बट अभी तक सोया था तब पता चला कि मुझे जुकाम भी हुआ है, करके गले में दर्द हो रही है, और दूसरा मेरा पेट भी खराब हो गया, पता नहीं क्या खा दिया मैंने कल, ऐसा पेट खराब हो गया है खराब वाला। तो अभी दही ही खा के ठीक कर रखा है बड़ी मुश्किल से। तो स्कूल के बच्चे आ रहे थे तो इनको थोड़ी देर मैंने परेशान करा। यहाँ पे एनजीओ वाली मैडम भी आई है, इनका कहना है कि आलू के कट्टे ले जाओ ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइस आप कुछ कहना चाहोगे क्या, कुछ कहो? खेती बाड़ी को आगे। मैं 15 कट्टे आलू के लगा रहा हूँ इस बार, ठीक है, टेंशन मत लो, आलू ही आलू कर दूंगा मैं पूरे अटास में। एक ठेकेदार ये है, ये एक सुबह कह रहा था ये आलू लाऊंगा, एक ये वाली मैडम आ रखी है, 2 तो ये ठेकेदारी हो गए हैं आलू के। ये सूरज सिंह है, ये आलू खरीद रहा है, और ये मैडम है ये। अब इनमें से किसके पास से लेंगे बताओ गाइस, इनसे लें या उनसे लें, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। पहाड़ की लड़कियों का संघर्ष, देखो मेरी चाची लकड़ी फाड़ रही है, देखो ये या या गजब गजब, अच्छे से मारो ना, उसके ऊपर मारो, ऊपर एकदम शट से फटेगा, या मैं फाड़ू लाओ? तो गाइस ये फट गया, हाँ फटका। तो ठंड का मौसम है तो लड़कियों की नहीं लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, मैं तो लड़कियों हो गया था। लकड़ो देखना कैसे फाड़ते हैं लकड़ो, ये तो खिली गया है, एक दो तीन, ये तो फट रही है, बराबर रखना जब तक नहीं फटेगी। तो गाइस इसे कहते हैं ये बाजा का फड़ाट लकड़ा, देख सकते हैं लकड़ी बना दिया यहाँ। तो गाइस अब ये दूसरी पीस निकालेंगे हम इसमें से, क्योंकि चाची तो चली गई पता नहीं कहाँ चली गई, तो हमने ये फाड़ना पड़ेगा। देखो ये बिल पावर मेरी, ये देखो पावर, देखो ना यार,
ये देखो ये गाइस, तो सॉरी ये देखो ये, तो गाइस ये है दूसरा फ्लैट लकड़ा, इनमें से आग जलाएंगे, रात को सेकेंगे हम और खाना भी बनाएंगे। तो हो गया गाइस, गाइस हम के पाँच बज चार बज रखे हैं, करेक्ट चार बज रखे हैं, तो हम जा रहे हैं बर्तन पहुंचाने। अब शादी होगी है, खाना खा लिया है, तो कमल भाई कह रहे हैं कि बर्तन तुम्हारे बूबू पहुंचाने आएंगे क्या, खाना आना खा के मतलब बर्तन नहीं बचे, जा रहे हैं हम क्योंकि हेल्प तो करनी हुई। ठीक है, जाते हैं पहुंचा के दिखाते हैं आपको भी। और ये केवी विद्यालय के छात्र छात्राएँ आ चुकी हैं, ये हमारी झुन्नी बहन दिखते रहती हैं आपको। अरे दिप्पी मोटी, दिप्पी मोटी कौन से मिली इनको, ये पढ़ती हैं सेवंथ में, इनके पापा पढ़ते हैं। मौसम तो बहुत ही ठंडा हो रखा है, देख सकते हैं सुबह से आज बहुत ही ठंड हो रही है। और पता है यार, बर्तन पहुंचाने का बड़ा बवाल है, अब खान लाने का बवाल था, पहुंचाने का बवाल है। तो पहुंच मैं अपनी शादी में बिना बर्तन की शादी करूंगा। पूरी गैंग लेके गया, मोहे मोहे गैंग लेके आऊँ, देखो ये पूरी है मोहे मोहे गैंग, ये मोहे मोहे गैंग। ठीक है, मोहे मोहे गैंग तुम समझ रहे हो ना, ये अमृता है, ये पंकज भाई हैं और ये अरुण भाई हैं, ये सब मोहे मोहे गैंग है। ठीक है, राम राम सारिया ने, नेक्स्ट व्लॉग में आपका स्वागत है, फिर मिलते हैं आपको नंगर में। नंगर में तो मजा जाने वाला, देखो कम्मुदा के साथ थोड़ी फुल मस्ती रहेगी, बर्तन भी पहुंचाएंगे, नैया भौजी से भी मिला सकते हैं, क्या पता। हम पहुंच गए हैं फिर से बर्तन पहुंचाने, पर्दे लाए, अब पहुंचाने तो पड़ेंगे, लाए हैं। तो ये है दीक्षा, दीक्षा ये दीक्षा मेरे लिए भिक्षा मांग देना। हाँ, अरे ये तो जिया है, ये तो जिया है, ये तो। तो गाइस ये देखो नंगर की गैंग, नंगर गैंग, ये भाभी भाभी है सारी, कोई तो गाइस ये है बर्तन ही बर्तन, ये हमारे साहब गुलाबदा, अरे हमारे कम्मू भाई व्यवस्थापक। हम पहुंच चुके हैं, हमने पहुंचा दिया बर्तन, दिखाऊं सारे बर्तन पहुंचा दिया हमने। ये देखो ये गुलाबदा यहाँ पे, और वहाँ पे चंपावत, हो चंपावत देखिए मस्त एकदम। और ये है हमारे बर्तन, वहाँ बर्तन बर्तन पहुंचा दिए। तो अभी इसने पहना क्या पकड़ लिया यार, क्या पकड़ते हो ये, बुढ़ापा आ गया। देखो ये चाय भी पी रहे हैं ब्लॉगों में, और ये अभी लकड़ी भी पकड़ लिया इसने। तो गाइस ये देख सकते हैं मेरी मोहे मोहे गैंग, ये देखो ये मोहे मोहे गैंग, तुम सब मोहे मोहे गैंग हो, मोहे मोहे चल रहा ना आजकल, मोहे मोहे गैंग कंपटीशन चल रहा ना। तो गाइस अब हम मिलते हैं हम घर में। मुझी हम तो चलते हैं, तुम भी चलो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपने जितनी हेल्प करी। ठीक है, रहते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं। और दीदी नमस्ते, ये देखो हमारे पहले ब्लॉग में यही दीदी आई थी, आज भी आ चुकी हैं, पहचान रहे होंगे, बड़े लॉन्ग टाइम बाद हमारी दीदी ब्लॉग में आ रही है। ये देखो ये फाइनल मैं घर पहुंच चुका हूं, यार ब्लॉगर बीमार हो गया, देखो ये जुकाम हो रहा है, गले में दर्द हो रही है बहुत ही, कल शायद मुझे लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा बीमार हो जाऊँगा। अगर ब्लॉग ना आए तो नाराज़ मत होना, बहुत जुकाम हुआ है यार, क्या ही बताऊँ अब, बीमार हो ही गया, खास कर कई सालों से जुकाम भी हो गया मेरे को, आज पहली बार मैं बीमार हो रहा हूँ कई सालों बाद। तो गाइस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, दुआ करो कि जल्दी से ठीक हो जाऊँ और उसके बाद फिर से ब्लॉग में सिस्टम हैंग करने आ जाऊँ, हो जाऊँगा ठीक। वैसे ब्लॉग बंद नहीं करूँगा, ब्लॉग तो आएगा, बट ऐसा है कि थोड़ी तबीयत ख़राब हो ही रही यार दो दिन से, सुबह से मतलब कल रात से। गुड नाइट यार, अब जाऊंगा फिर मैं, अब थोड़े दिन ट्रैवल भी करता हूँ, शादी आदि तो अब समाप्त हो ही जाती हैं, ज़्यादातर एक दो दिन की शादी है, फिर उसके बाद वही फरवरी में होंगी या जनवरी में होंगी, तो उससे पहले फिर मैं अब थोड़ा ट्रैवल करूँगा अब। ठीक है, दिखाऊँगा आपको मंदिर एक से एक, बने रहो यार ब्लॉग में, तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँगा, अच्छे अच्छे, ऐसा कुछ नहीं है मतलब, तुम मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो तो मैं आपको एक से एक बेहतरीन वीडियो देते रहूँगा। मतलब फैमिली ब्लॉग है मेरा, देखो फैमिली के साथ देख सकते हो, किसी को भी अपने फैमिली में जिसके साथ दिखाना चाहते हो उसको दिखा सकते हो, और उनको मज़ा भी आएगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं, मुझे पता है कि मैं इतने वो ब्लॉग तो नहीं बनाता, मतलब इंटरेस्टिंग वाले, मतलब फ़नी और ट्रैवल वाले ही बनाता हूँ बस, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता मेरा। तो आप फैमिली के साथ मेरा ब्लॉग देख सकते हो आराम से बैठ के, तो आप देखो मज़े लो और मुझे प्यार दो और मैं तुम्हें वीडियो दूंगा, बस यही है और कुछ तो है नहीं आपका और मेरा रिश्ता। ठीक है, बाय, गुड नाइट।